सीआईए 2 की टीम ने चीना जब्ती करने की एक महिला सहित चार आरोपियों को भेजा जेल। छीनी गई बालियां की बरामद। सीआईए 2 की टीम ने चीना जब्ती करने के आरोप में सोनू भारती पुत्र अमरजीत भारती वासी शेखपुरा थाना झुलका पटियाला पंजाब, महिला जसप्रीत कौर वासी पटियाला, गौरव गिर पुत्र निर्मल गिर वासी चना झुलका पंजाब व अजय पुत्र जगसीर राम वासी ससा जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने शनिवार शाम को मीडिया को बताया कि 15 अप्रैल को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में थाना झांसा एरिया वासी एक महिला ने बताया कि दोपहर को करीब 2:30 बजे वह अपनी देवरानी के साथ मारकंडा नदी के पास अपने खेत में लहसुन फाड़ रही थी। उसी समय बिना नंबर की एक कार उनके खेत के पास आकर रुकी और तीन नौजवान लड़के व एक औरत उनके पास आए और पिहुआ का रास्ता पूछने लगे। उन दोनों को अपनी बातों में उलझा लिया और दोनों लड़कों ने उन दोनों के कानों की बालियां निकाल ली और मौके से कार में बैठकर वहां से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर थाना झांसा में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच सीआईए 2 को सौंप दी गई। 28 अप्रैल को सीआईए 2 की टीम ने छीना झपटी करने के आरोपी सोनू भारती पुत्र अमरजीत भारती वासी शेखपुरा थाना झुलका पटियाला पंजाब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। 1 मई को सीआईए 2 की टीम ने छीना झपटी करने की आरोपी महिला जसप्रीत कौर वासी पटियाला, गौरव गिर पुत्र निर्मल गिर वासी चना झुलका पंजाब व अजय जगसीर राम वासी सहसा जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को मान्य अदालत में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से छीनी गई बालियां, वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। 4 मई को आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर सीआईए 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल की टीम ने छीना जब्ती करने के चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। क्या बताएंगे इसमें 15/4/2024 की बात है। झांसा एरिए में एक मिश्रा देवी नाम की औरत थी, मिश्रा देवी इसके साथ एक और थी, ये दोनों अपने खेतों में लहसुन पाट रही थी और इन द मीन टाइम जब ये खेत में काम कर रही थी, एक गाड़ी आती है सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी, और इन्होंने बताया कि उसमें 3 लड़के हैं और एक लेडी है, औरत है, वो चारों नीचे उतरे। इन्होंने बातें करनी उनसे कि पेवा का रास्ता पूछा मैंने उनसे, और बातों बातों फिर उनकी दोनों औरतों की कान की बालियाँ इन्होंने उतार ली, मतलब पार ली जबरदस्ती से, कानों में जो दोनों के कान फट गए थे और दोनों में ब्लड, बाद में उनका मेडिकल वगैरह हुआ। पहले 379A में दर्ज हुआ था मुकदमा, ये बाद में जब इनका मेडिकल वगैरह इन्होंने पेश किया तो 379B इसमें इजाद की गई थी। उस वारदात के बाद इन्होंने एक और वारदात फिर 3-4 दिन के बाद एक डांड एरिया में वारदात की थी, और पूछताछ के बाद इन्होंने, अब हमने 4 बंदों को इसमें अरेस्ट किया है। जो वो लेडी है वो जसप्रीत कौर है, ये पटियाला पंजाब की रहने वाली है। एक गौरव गिर है लड़का, इस लेडी का जो दोस्त है, ये भी पटियाला का रहने वाला है। एक अजय है और एक सोनू भारती नाम का लड़का है, ये सारे पटियाला जिले के रहने वाले हैं, देवीगढ़ के आसपास के हैं। इन चारों को हमने गिरफ्तार किया है, 5 दिन के इनको 5 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान जो बाड़ियाँ इन्होंने उन औरतों की निकाली थी वो बाड़ियाँ हमने बरामद करी हैं। जिस गाड़ी में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था वो गाड़ी भी हमने बरामद करी है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसके अलावा हमने एक डांड में वारदात सेम तरीके की है, क्योंकि आजकल औरतें, इन्होंने बताया कि औरतें अब चैन, जो सुनने की चैन है वो नहीं पहनती, लेकिन इनको पता है कि बाड़ियाँ प्रत्येक औरत के कान में मिलेंगी, इसलिए उन्होंने ये नई वारदात करने की अपनी जो सलाह की वो बनाई कि औरतों के कानों की जो बाड़ियाँ हैं वो निकालते हैं और उनको बेच देते हैं। तो ऐसी कानों की बाड़ियाँ निकालने की इनकी 5-6 वारदात ये कर चुके हैं, समाणा में करी है, डांड में करी है, यहाँ करी है, और अब जो लास्ट वाली वारदात थी वो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में की है। तो इसमें हमने इन चारों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन्होंने एक हमारे एरिया में 2 वारदात और इन्होंने की थी, वो वारदातों के बारे में इन्होंने बताया है। जनवरी के महीने में 19 जनवरी को 152D पे जो ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं इनकी रखवाले के लिए हमारे चौकीदार रखे हुए हैं, तो उन चौकीदारों से भी वही सेम इन्होंने वही मॉडस अप्रेंडी था इनका कि पेवा जाने का रास्ता किधर है, और रास्ता पूछने की बहाने उनसे मारपीट करी, उनके मोबाइल छीने और 2,000 रुपये एक से छीने, दूसरे चौकीदार से 1,000 छीने और मोबाइल दोनों के,
उस वारदात में भी इन्होंने जो गाड़ी यूज़ की थी वो भी चोरी की गाड़ी थी। तो इस तरीके से हमने तीन जो वारदातें थी हमारी 379B की, उन तीन वारदातों का खुलासा इन्होंने किया है। एक वारदात में हमने इनको गिरफ्तार किया था, उसमें रिकवरी जब हमने कर ली है, 5 दिन के बाद इनको कोर्ट में पेश कर लिया।